أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوامي فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی سایہ کریمہ کے سلسلے سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے، جس میں ذات واجب کا ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکاة دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے اس آیت کے وسیلے سے، وہ معرفت امام ہے۔ معرفت امام ہماری زندگی میں
एक ऐसा फरीजा है कि जिसका ताल्लुक हमारी खिलकत से है, यानी कायनात में हम इसी के लिए पैदा किए गए हैं। और मारिफत इमाम इस हैसियत से कि इमाम मजहर औसाफ इलाही है, लफ्ज़ इमाम से जो गुफ्तगु हो रही है इससे मुराद पैगंबर व मां बाद पैगंबर हैं। अइमे ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा व खुद ये हस्तियां वो हैं जो मजहर औसाफ इलाही हैं, और हमारी खिलकत का सबब कुरान मजीद और अहादीस और हदीस कुदसी की रोशनी में मारिफत परवरदिगार है। मारिफत परवरदिगार सिफात के अलावा ज़ात की मारिफत मुमकिन नहीं है, अस्माए इलाही की मारिफत मुमकिन है और औसाफ इलाही की मारिफत मुमकिन है। मैंने साल गुज़श्ता अस्मा के सिलसिले में गालिबन बहस की थी या नहीं मुझे जहन में नहीं है, लेकिन अर्ज़ करूँगा आपके सामने। औसाफ़ इलाही के सिलसिले में खुदावंद आलम की जितनी सिफतें हैं वो सब उसकी ज़ात हैं, मुसलसल कहा जा रहा है, लिहाजा हम मजबूर हैं कि उसकी सिफतों को उनके मज़ाहिर से पहचानें। मज़ाहिर यानी जिस जगह से सिफात इलाही का ज़ुहूर होता है। इस तरीके से तो हर कायनात की मखलूक परवरदिगार की किसी न किसी सिफत की आईनादार है। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, वही वो खुदा है जिसने तुम्हें ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया, यानी इंसानों को, हमें और आपको परवरदिगार आलम ने मकाम खिलाफत अता किया। हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफल अर्द, इंसानों को परवरदिगार आलम ने ज़मीन पर अपना खलीफा बनाया। कुरान मजीद गवाही दे रहा है इसकी, जानशीनी ये परवरदिगार इंसान इस मकाम को अपने अंदर रखता है, मकाम खिलाफत इलाही, या जैसा कि दिन की मजलिस में कहा गया कि मकाम करामत परवरदिगार के लकत करम ना बनी आदम, हमने औलाद आदम को मुकर्रम बनाया। करामत और खिलाफत के मकामात परवरदिगार आलम ने इंसान को अता फरमाए हैं, लेकिन बिलकुवा और बतौर पोटेंशल ये मकामात इंसान के पास मौजूद हैं। जितना इंसान की अपनी अहलियत और इंसान की अपनी सलाहियत होगी उतने ये मकामात इंसान से जाहिर होंगे। कभी इस पर तफसील से गुफ्तगू इंशाल्लाह मौका मिले कि हो, जितना इंसान को मौका मिले और अपनी सलाहियत को वो निखार सके उतना ये मकामात इंसान से जाहिर होंगे, लेकिन इंसान के तमाम तर नकायस के साथ ये मकामात रहेंगे। इल्म खास परवरदिगार है, इंसान के अंदर पाया जाता है उस एतबार से जितना उसके अंदर सलाहियत है। औसाफ़ इलाही दिख रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो सिफत को मुकम्मल तौर से जाहिर कर सके। मुकम्मल तौर से सिफात तो कौन जाहिर करेगा? का वो जाहिर करेगा जिसके यहां हद ना पाई जा रही हो। मैंने कहा कि परवरदिगार की जात लामहदूद है, उसके ज़ात के बारे में किसी किस्म की कोई हद मुमकिन नहीं है। इसी तरीके से उसके सिफात भी लामहदूद हैं, किसी तरह की कोई हद परवरदिगार के सिफात के बारे में मुमकिन नहीं है। सिफात लामहदूद ज़ात महदूद से जाहिर हो नहीं सकते, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। बल्कि कोई ऐसा चाहिए कि जो खुद
अपने एतबार से लामहदूद हो ताकि वहां सिफात इलाही का जहूर हो सके। मैं मुसलसल इस पर गुफ्तगू आपके सामने कर रहा हूं ताकि जहन में यह बात महसूस हो सके। ऐसी जात चाहिए कायनात में, ऐसा वजूद चाहिए कायनात में कि जो लामहदूद सलाहियतों का मालिक हो ताकि वहां से सिफात इलाही जहूर करें। मसलन मैंने अर्ज किया कि जाते पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व आले इस कैफियत की मालिक हैं कि जहां पर जो भी सिफत परवरदिगार का जहूर हो रहा है लामहदूद है। सिफत इल्म बार बार इस पर तकिया कर रहा हूं चूंकि यह मुहिम सिफत है और ये समझ में आ जाए तो बाकी सारी बातें समझ में आ जाएंगी। सिफत ते इल्म यानी इसकी हद क्या है, जहालत। और इन ज़वात कुदसिया के पास जहल नाम की चीज नहीं है। जो भी सवाल आता है किसी किस्म का सवाल हो, दुनिया से मुताल्लिक हो, आखरत से मुताल्लिक हो, माजी से मुताल्लिक हो, हाल से मुताल्लिक हो, इस्तकबाल से मुताल्लिक हो, जैसा भी सवाल हो ये फौरन उसका जवाब देते हैं। कायनात में कोई ऐसा न पैदा हो सका कि जिसने कोई सवाल किया हो और इन्होंने जवाब न दिया हो। देखिए ये एक फजीलत का नुक्ता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और रहेगा, लेकिन मैं फजीलत से आगे बढ़ के इंसान को हकीकत की तरफ लाना चाह रहा हूं कि ये वजूद है मोहम्मद और आले मोहम्मद की हकीकत है कि जहां इस तरीके से इल्म ला यजाल और इल्म ला यतनाही परवरदिगार आलम मौजूद हैं कि कोई भी सवाल हो ये उसका जवाब रखते हैं। और आवाज देर अगर मसनत कजा बिछा दी जाए तो हम अहले तौरात का जवाब तौरात से देंगे, अहले इंजील का जवाब इंजील से देंगे, अहले जबूर का जवाब जबूर से देंगे, अहले कुरान का जवाब कुरान से देंगे। मुझसे आकर के पूछो कि कौन सी आयत कब नाजिल हुई, कौन सी आयत, कौन सी आयत कहां नाजिल हुई, कौन सी आयत सफर में नाजिल हुई, कौन सी आयत हजर में नाजिल हुई, कौन सी आयत किसकी मध में नाजिल हुई, कौन सी आयत किसके जम में नाजिल हुई। देख रहा इन मुझसे आकर के पूछो मैं बताऊंगा। मेरे पास इल्म का खजाना मौजूद है, इशारा करते हैं अपने सीने की तरफ, मेरे पास इल्म का खजाना मौजूद है, हैफ के कोई लेने वाला नहीं है। देख रहा ये कैफियत है, हैफ के कोई लेने वाला नहीं है, कोई ऐसा सवाल नहीं है, कोई ऐसा मौका नहीं, इसका जवाब इनके पास नहीं है। जिस तरह का भी सवाल किया जाए आने वाला पूछता ये जवाब देते हैं। और मैंने मुझे याद नहीं कि मैंने इसको कहा कि आप देखें इमाम बगदाद से वापस मदीने भेजे जा रहे हैं, बुलाया था असीर करके वापस भेज रहा है खलीफे वक्त, चूंकि जिंदान में अगर कुछ दिन और रह जाते तो बगदाद हाथ से निकल जाता। आपने ऐसा कैदी देखा है जो कैद में रहने के बावजूद मुल्क को उलट रहा हो। वापस जा रहे हैं, एक जगह पर देखा कुछ थोड़ा सा मजमा लगा है, पूछा क्या है, का एक राहिब है जो साल में एक बार बाहर आता है अपने दैर से और लोगों के सवालों का जवाब देता है। लोग जमा होते हैं, पूरे साल के सवाल इकट्ठा होते हैं, जवाब देता है। आप भी जाकर के मजमे में बैठ गए एक जगह पर, और अइम्मा का तरीका यह था, शान यह थी कि पैगंबर के लिए कहा जाता है कि माना का अहद ना, हमारे साथ ऐसे रहते थे जैसे हम ही मेरा कोई एक हो। हम समझते हैं कि अइम्मा के वजूद नूरानी था यानी कुछ चेहरे से लाइट निकल रही थी, ऐसा नहीं है। आने वाला पूछा था तुम में से पैगंबर कौन है, माना का अहद ना, जाकर के मजमे में बैठ गए। वो राहिब बाहर निकला, उसने तायराना नजर मजमे पर डाली और नजर जाकर के इमाम मोहम्मद बाकिर पर ठहरी।
नजर जाकर के ठहर गई, कुछ देर देखता रहा, फिर पूछता है आप हम में से हैं या गैरों में से हैं। इतना बड़ा मजमा है, लेकिन इसके माने जो शख्स है ये कोई आम नहीं है कि उसने टिकी नजर एक जगह पर जाकर के। इमाम ने फरमाया मैं उम्मत मुहम्मदी से हूं। उसने दूसरा सवाल पूछा कि आप उलमा में से हैं या जोहला में से हैं। इमाम क्या कहें, हम और आप होते हैं तो क्या कहते हैं? जरा सा कोई इल्म आ जाए और अपने आप को आलिम, जरा सी कोई चीज मालूम हो जाए तो जब तक उसे बयान न कर ले सुकून नहीं मिलता। किसी मजमे में कोई मसला छेड़िए, हर इंसान साहिब नजर नजर आता है। जिस जगह पर आप इसको है ऐसा ही है। इमाम ने क्या जवाब दिया? उसने पूछा आप उलमा में से हैं कि जाहिलों में से हैं? इमाम ने कहा मैं जाहिल नहीं हूं। एक तो तवाजो यह है कि यह नहीं कह रहे कि मैं आलिम हूं, तवाजो के तौर पर यह नहीं कह रहे कि मैं आलिम हूं, बल्कि कह रहे हैं कि मैं जाहिल नहीं हूं। तो उसने अजब गुफ्तगू का अंदाज देखा कि मैं जाहिल नहीं हूं। और आप तवज्जो करें, यह बहुत बड़ा मसला जी, इमाम ने कलामी छेड़ा। अगर कोई कहे कि मैं आलिम हूं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मुमकिन है किसी इल्म में कुछ जानता हो, अभी आप देखिए जब भी आप कहीं बयान करते हैं फलां साहब बहुत बड़े आलिम हैं, तो मजमा पूछता है किस चीज में, का तारीख के आलिम है। उसने कहा जी ठीक है, तारीख के आलिम हैं के मानी क्या है? ये भी नहीं जानते, 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 इस चीज में आलिम है। ये कौन है? क्या ये केमिस्ट्री के बहुत बड़े आलिम हैं? इसके माने केमिस्ट्री जानते हैं, इनका फलसफे से कोई ताल्लुक नहीं, इनका मंतिक से कोई ताल्लुक नहीं, इनका उसूल से कोई ताल्लुक नहीं, इनका फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं, है कि नहीं है? इस चीज में आलिम है। यानी अगर कहे कोई कि मैं आलिम हूं तो जहन मुतवज्जे होता है किसी एक शोबे इल्म की तरफ, लेकिन इमाम ने मुतलके जहल की नफी की। इमाम ने मुतलके जहल की नफी की, मैं जाहिल नहीं हूं। किस चीज में जाहिल नहीं है? मसलन का किसी चीज में भी। तवज्जो फरमाए जो बात अर्ज कर रहा हूं, मैं आलिम हूं इसके माने यह है किसी एक इल्म को जानता हूं, एक। दूसरी बात है किसी एक इल्म में किसी एक हद तक जानता हूं, किसी एक इल्म में किसी एक हद तक जानता हूं। हाई स्कूल को पढ़ाने वाला भी आलिम है, इंटरमीडिएट को पढ़ाने वाला भी आलिम है, ग्रेजुएशन करवाने वाला भी आलिम है, पीएचडी करवाने वाला भी आलिम है, लेकिन सबके दर्जात इल्म में फर्क है। अगर कोई कहे कि मैं आलिम हूं तो पहली बात तो ये किस शोबे में, दूसरी चीज ये किस हद तक। लेकिन जब सामने वाला कह रहा हो मैं जाहिल नहीं हूं, मुतलके जहल की नफी के माना है इल्मे ला महदूद रखता हूं। उसने कुछ सवाल पूछना शुरू किए और इमाम ने उसके जवाब देना, मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कहा जो जी चाहे पूछो। देखिए अंदाज कैसे बदल जाए इस घराने का। कहा मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? कहा जो जी चाहे पूछो, क्योंकि जब कह दिया कि जाहिल नहीं हूं तो तुम्हारा सवाल तुम्हारे इल्म की हद को बताएगा।
तुम्हारा सवाल तुम्हारे इल्म की हद को बताएगा, हमारा जवाब नहीं, क्योंकि हम तो किसी भी मौजू पर पूछो। और उसने मुख्तलिफ मौजूआत पर सवाल पूछे, वो कौन सा वक्त है जो दिन में है न रात में है, सवाल है। आप देखिए वो दो ही चीज तो है, या दीना या रात है। जब सवाल कर रहा है, इल्म है से पूछ रहा है, कहां से पूछ रहा है, वो कौन सा वक्त है जो दिन में है न रात में है। इमाम ने कहा बैन तुलुएन, तुलु फज्र से तुलु आफ्ताब का वक्त। ये वक्त न रात में शुमार होता है न दिन में शुमार होता है, ये जन्नत के औकात में से एक वक्त है। इसीलिए जिस मरीज को रात भर नींद ना आई हो, इस वक्त नींद आएगी। खासाने खुदा के लिए, औलियाए इलाही के लिए मकाम कुर्ब का ये वक्त है। तुलुए फज्र से तुलुए आफ्ताब तक। इसीलिए बाज़ उलमा इस हद तक पाबंदी करते थे कि अगर कुछ नहीं पढ़ सकते हो, सिर्फ जागते रहो इस वक्त में, यानी अजान सुबह से लेकर के सूरज के तुलू होने तक कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ जागते रहो, कुछ खाते रहो, चाय पीते रहो, नाश्ता करते रहो, सिर्फ जागते रहो ताकि इस वक्त में शुमार हो जाए। उसने देखा तो सवाल का जवाब मुतकन, दूसरा सवाल पूछता है कि वो कौन से दो भाई हैं। देखिए माजी का सवाल, वो कौन से दो भाई हैं जो एक साथ पैदा हुए, एक साथ दुनिया से गए, एक 50 बरस का, एक 150 बरस का। कैसे हल करें इसको, जो एक साथ दुनिया में आया उसने बहुत सख्त सवाल इमाम के सामने रखा माजी का। इमाम ने मुस्कुरा के कहा अजीजो उजैर, जो एक साथ पैदा हुए, साथ साथ 30 साल तक रहे, फिर 100 साल जनाबे उजैर को खुदा ने मौत दे दी, 100 साल के बाद उठे अपने भाई के साथ, फिर 30 साल रहे, दोनों की उम्र मुतफावित है। कुछ सवाल उसने और पूछे और उसके बाद कहता है जब तक ये शख्स, तवज्जो चाहता हूं अजीज जुमले पर, कि जब तक ये शख्स शाम के हुदूद में है, कोई मुझसे सवाल न करे, इससे सवाल करे। और बाज रवायात के एतबार से मुसलमान हुआ, इस्लाम कबूल किया, साल में एक दिन बाहर आता है जवाब देने के लिए, साल में एक दिन लोग देखते हैं, सारे ईसाई इसके मुंतजिर रहते हैं सवाल और जवाब के लिए, बूढ़ा है, राहिब है, सारी चीजें हैं। वो कहता है जब तक ये शख्स शाम के हुदूद में है, कोई मुझसे सवाल ना करे, इससे सवाल करे। इसका मतलब क्या है, ईसाई सही मगर बागैरत था। ईसाई सही मगर बागैरत था कि जब देख लिया के जहले मुतलक की नफी करने वाला, इल्मे महदूद नहीं ला महदूद रखने वाला तमाम सवालों के जवाब दे रहा है, दावा भी सुना, दलील भी देखी, मुतमईन भी हुआ, तो बागैरत था और होशियार भी था कि जब मुझसे ज्यादा कोई इल्म रखने वाला मौजूद है तो किसी आलिम के सामने उठना दो चीजों पर दलील है, किसी आलिम के सामने अपने आप को कद अलम करना दो चीजों पर दलील है, एक तो बेगैरती है और दूसरे बेशऊरी है। क्यों, इसलिए कि जब मुश्किल आएगी तो इधर ही जाना पड़े। Oh
अपनी तरफ दावत नहीं दे रहा, इनकी तरफ दावत दे रहा है। सर तस्लीम को खम कर दिया कि ये आलिम है, इल्म रखने वाला है, अपनी तरफ नहीं बुला रहा मजमे को, इनकी तरफ भेज रहा है। जब तक ये है कोई मुझसे सवाल मत करना, क्योंकि जानता है कि ये इल्म ला यजाल लिए हुए है। मैंने जो सवाल भी पूछा मेरे सवाल में देर लगी, लेकिन इसके जवाब में देर नहीं लगी। पैगंबर ने आवाज दी, अअलमकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा जानने वाला अली, अशजाकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा शजाअत रखने वाला अली, अकदाकुम अली, तुम में सबसे ज्यादा फैसले करने वाला, सबसे ज्यादा मसाइल को महसूस करने वाला अली, अकरबु मिन्नी, सबसे ज्यादा मुझसे करीब अली। अब जिसका जो जी चाहे अंजाम दे, लेकिन ये जरूर है जब इल्मी मसला आएगा तो अली याद आएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इल्म ला यजाल, ऐसा इल्म जिसकी कोई हद नहीं। और मैं यहां पर गुफ्तगू छोड़ी थी, तो जगह मैं आपको लेकर के आ गया। तवज्जो करें मेरे अजीजों, ये मारिफत की मंजिल है, ये मारिफत की मंजिल है, वो भी अइम्मे ताहिरीन के लिए। मुझ जैसा गूंगा इंसान क्या बयान करेगा, मैं तो सिर्फ कुछ दुआएं और कुछ हदीसें जो हमारे सामने हैं उसे आप तक पहुंचाना चाहता हूं। इंसान महसूस करे ये हस्तियां कौन है। और जितना हमारा दिल, जितना हमारा कल्ब इन्हें महसूस करता जाएगा, उतना हम इनके सामने मुतवाज़े होते जाएंगे। यह हकीकत है। और अगर कोई इनके सामने मुतवाज़े नहीं है, इनके अमर के खिलाफ कर रहा है, यानी उसने अभी इन्हें पहचाना नहीं है। लाख कुछ कहता रहे, जबान से दावा कोई करता रहे, इससे बहस नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा इनसे कुर्ब पैदा होगा मारिफत के नतीजे में, उतना इंसान इनका मुती होता चला जाएगा। यह हकीकत है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तारीख के दामन में कोई एक ऐसा इंसान दिखा दीजिए, कोई एक ऐसा इंसान पैगंबर के यहां, मौलाए कायनात के यहां, इमाम हसन से लेकर के इमाम अस्करी तक, कहीं पर कोई ऐसा इंसान जो इनसे बहुत ज्यादा करीब हो लेकिन इनका मोती ना हो। कोई एक ऐसा नाम पेश कीजिए जो इनसे बहुत ज्यादा करीब हो लेकिन उसके अंदर इनकी आदतें ना हो। कोई ऐसा इंसान पेश कीजिए। अब मैं इस पर इंशाल्लाह कल, अगर आज पहुंच सका तो आज, मैं कल गुफ्तगू करूंगा इसके साथ इस लफ्ज पर आकर के, कि जिसके अंदर इनकी खासियतें ना पैदा हो जाएं, वो आईना ही क्या, वो आईना ही क्या जिसमें साफ अक्स नजर ना आए। हमारे इस आईने पर वजूद के जितना गुनाहों का गर्दो गुबार होगा, उतना अक्स अइम्मे ताहिरीन मध्यम नजर आएगा। और जितना आईना हम साफ करते जाएंगे गुनाह से, मासियतों से, बुरी खसलतों से, उतना अइम्मा का जलवा और उभरता चला जाएगा। और हम, ऐसा नहीं है कि अइम्मे ताहिरीन ने उन्हीं लोगों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, साले गुदुश्ता भी अर्ज कर रहा था, अइम्मे ताहिरीन ने सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कहा है, नहीं नहीं, आज भी वो कह रहेंगे और आज भी कह रहे हैं। एक जुमला देखिए जनाब मालिक अश्तर के लिए, एक जुमला, किताब मालिक अश्तर से, किताब फजीलत से सारी इबारतों को मिटा दिया जाए, सिर्फ मौला का एक जुमला लिख दिया जाए, मालिक अश्तर के लिए बहुत है। क्या कहा मौला कायनात ने मालिक अश्तर के लिए, बहुत आहिस्ता कर रहा हूं, बच्चे महफूज करें इसे, रहमल्लाहु मालिकन, खुदा मालिक पर रहमत नाजिल करे। है कोई जहां से मौला की दुआ रद्द हो सके, नऊज़ु बिल्लाह, खुदा मालिक पर रहमत नाजिल करे। क्या जुमला कहा, कानल अश्तरुली कमा कुंतो लिरसूलिल्लाह, मालिक अश्तर मेरे लिए वैसा था जैसा मैं रसूल के लिए। देख रहे हैं, इसके माने ये नहीं कि मालिक अश्तर मौलाए कायनात जैसे हैं, नहीं, जितना मालिक अश्तर में था
वो सब मालिक अश्तर मेरे लिए निसार कर रहा था। ये है, ये तशबी है, देख रहे हैं आप। मैं ताहरीन ने जजा भी दी है लोगों के लिए, कहा भी है सलमान मिन्ना अहलल बैत, अबू जर मिन्ना अहलल बैत, फुज़ैल मिन्ना अहलल बैत, वल्लाहि ला अअलमु असहाबन औफा औ खैरन मिन असहाबी, खुदा की कसम किसी के साथ ही ऐसे नहीं जानता मैं जो मेरे साथियों से ज्यादा बावफा और बेहतर हूं। जजा दे रहे हैं, आज के लिए मौजूद है कि जो आखिर जमाने में इंतजार की कैफियत यह है कि जैसे किसी रेशमी कपड़े को खारदार दरख्त पर डाल के खींच दिया जाए, ये कैफियत होगी इंतजार के जमाने में मुंतजरीन की। इतना सख्त होगा अपने दीन और अपने ईमान और अपने मजहब को महफूज रखना। हमारे पास कोई चीज नहीं, मैं आपसे ऐलान आजजी कर रहा हूं, कोई चीज हमारे पास नहीं है जो हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को आज इस जमाने की यलगार से बचा सके। जहां पर पहले गुनाह करने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता था, घर महफूज था, गुनाह के लिए लोग घर से बाहर जाते थे, अब गुनाह करने के लिए कमरे के अंदर जाता है, घर के और अंदर, क्योंकि आज सारी चीजें मुहैया हैं। कौन है जो इससे बचा सके, कौन है जो बचा सके, कोई है कोई चीज हमारे पास जो इससे बचा सके? मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मारफत अहले बैत है। इस पर हमें खुद भी काम करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए इंतजाम भी करना चाहिए, बच्चों के लिए बच्चों को बताना भी चाहिए, मारिफत के कोर्स रखना चाहिए, मारिफत की किताबें रखना चाहिए, बच्चों को तालीम देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आज जिस चीज को दीन, जो दीन को बचा सकता है, जो मजहब को बचा सकता है, जो हमारे बच्चों के ईमान और अकीदे को जो चीज बचा सकती है, वो सिवाय मारिफत के कुछ नहीं है। जितना हमारा बच्चा, जितना हम खुद अपने इमाम को पहचानते चले जाएंगे, उतना ज्यादा हम उनके मुती होते चले जाएंगे। कौन है जो ये महसूस न करे कि हमारा इमाम हमें देख रहा है? आज आप देखें, कोई मजलिस ऐसी नहीं जिस पर इमाम की नजर न हो, सब देख रहे हैं कौन आया, कौन कब नहीं आया, कौन कब आया, कौन क्या हुआ। उनको फिक्र नहीं है कि हम आए कि ना आए, तो आए चाहे ना आओ, चाहे ना आओ, हुसैन जो है वो है, लेकिन तुम्हें आना है, आओ अपने वजूद को आकर के मुनव्वर करो इस मकाम से। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, जितना मुमकिन हो मारिफत के सिलसिले में हमें गौर करना चाहिए। मैं कल अर्ज कर रहा था, तमाम सिफात इलाही का मजहर इमाम का वजूद। माह रजब की दुआ यहां से गुफ्तगू फिक्र मैंने छोड़ा था, दो लफ्ज जल्दी जल्दी सुने और फिर बाद में गुफ्तगू और आगे बढ़ेगी इंशाअल्लाह बाद की तकरीर में। माह रजब की एक दुआ है जो हजरत हुज्जत की तरफ से है, अलैहि सलातो वसलाम, आज रोजे जुमा भी था, मुनासिब भी है, उलमाए अखलाक से पढ़ने की ताकीद करते हैं। हमारे उस्ताद आयतुल्लाह तहरीरी ने इसे पढ़ने के लिए कहा, दुआ बिस्मिल्लाह से शुरू होती, मफातीह के अंदर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, اللهم اني اسالك بمعاني جميع ما يدعوك به ولا تؤمرك, परवरदिगार मैं उन तमाम मानी के जरिए से तुझसे सवाल करता हूं कि जिसके जरिए से तेरे वलात अम्र ने सवाल किया है। वलात अम्र यानी उलिल अम्र, साहिबान अम्र यानी खुदा इम्मे ताहरीन अलैहि सल्लतु वसलाम। अब उसके बाद दुआ ने इसी जगह से गुरेज किया, कौन बुलाते अम्र, तवज्जो कीजिए। और अब यहां से गुफ्तगु शुरू हुई, वो भी माह रजब में। मैंने कल कहा कि मौलाए कायनात ने कहा कि रजब शहरी, रजब मेरा महीना है, और अब उस जो मेरा महीना है ना, जो मौलाए कायनात का महीना है, वहां से ये बात शुरू हो रही है। बुलाते अम्र कौन, अल मामूनून अला सिर्रिक, पहली सिफत। और इन अगर एक एक सिफत पर इंसान टिक जाए तो कई कई तकरीरें दरकार हैं। अल मामूनून अला सिर्रिक, ये वो लोग हैं जो तेरे राज के अमीन हैं, जिनको तूने अमीन बनाया, मामून, जिनको राज तूने दिया है अपना, ये वो अफराद हैं जो सिर्र इलाही को लिए हुए।
अब ये सिर क्या है और उसकी अमानत कैसी है, ये समझने के लिए बहुत इंसान को मुश्किलात का सामना है, मुश्किलात इल्मी। अलमामूनून आला सिर्रिक अलमुस्तबशिरून बिअम्रिक, तेरे अम्र की बशारत देने वाले या तेरे अम्र पर खुशहाल। इस पर मैंने गुफ्तगू की है 2-3 साल पहले कि जब ये गुफ्तगू हो रही थी कि यहदूना बिअम्रिना, अम्र के जरिए से हिदायत। अलमुस्तबशिरून बिअम्रिक अलवासिफूना लिकुदरतिक, तेरी कुदरत के सिफात बयान करने वाले, यानी तेरी कुदरत को कायनात में समझाने वाले कौन बुलाते अम्र। दुआ है, दुआ में ये मारिफ दिए जा रहे हैं, तवज्जो कीजिए, दुआ के अंदर ये मारिफत दी जा रही है कि पहचानो ये बुलाते अम्र कौन है। अलमुलिनूना लिअज़मतिक, तेरी अजमत का ऐलान करने वाले। मैंने कहा कि अगर एक एक जुमले पर इंसान टिक जाए तो काफी है एक तकरीर के लिए। तेरी अजमत का क्या मतलब है, अजमत का ऐलान करने वाले। कि बहरहाल उससे बहस नहीं है। असअलो का बेमान नतका फीहिम मिन मशीयतिक, मैं सवाल कर रहा हूं जो तेरी मशीयत के जरिए से इन्होंने गुफ्तगू की है और इन्होंने कहा है फजअलतहुम मादना लिकलिमातिक, परवरदिगार तूने इन्हें अपने कलिमात की मादन बनाया है। कान, कान क्या मतलब, मादन क्या मतलब, जहां से कलमात इलाही निकलते हैं। वो कौन है लोग, बुलाते अम्र यानी आइम्मे ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। और आपको मालूम है इन या मरियम इन अल्लाह युबशिरुकि बिकलिमतिन मिन इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, ऐ मरियम खुदा तुम्हें बशारत दे रहा है अपने एक कलमे की जिसका नाम मसीह है। यानी जनाब कुरान मजीद की नजर में जनाब ईसा खुदा का एक कलमा है। तवज्जो मेरे अजीजो, जनाब ईसा खुदा का एक कलमा है और ये वली अम्र वो हैं जो मादन है कलमात इलाही के लिए। अब वो बात समझ में आई कि अय्युहल अमीर इन्ना अहलु बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला, ऐ अमीर हम अहले बैत नबुव्वत हैं, हम मादन रिसालत है, यानी हम ही से अंबिया का वजूद है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। मादना ले कलिमातिक, अब इसके बाद जो जुमले हैं तो इंसान तर्जमा करते भी घबराता है कि किस तरीके से समझे और आगे बढ़ाए गुफ्तगू को। फजालता हूं मादना ले कलिमातिक व अरकानन ले तौहीद का व आयात का व मकामातिक, तूने इन्हें अरकान बनाया है अपनी तौहीद के। अरकान जम का सीगा है, तौहीद वाहिद। कैसे इंसान महसूस करे, कैसे जहन समझे, फजाल तो मादन अल कलिमातिक व अरकान अल तौहीद का व आयात का व मकामातिक, तेरी तौहीद के रुकन ये लोग हैं, तेरे आयतों के रुकन ये अफराद हैं, तेरे मकामात के रुकन ये लोग हैं। यारे अल्लती ला तातील अलहा फी कुल मकान, किसी कोई जगह ऐसी नहीं है जो इनसे खाली हो। यारेफो का बिहा मन अराफक, इनके जरिए से तुझे पहचाना है जिसने भी तुझे पहचाना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। देख रहे मारिफ की क्या मंजिल है जो इमाम बयान फरमा रहे हैं। माह रजब की एक दुआ मफाती के अंदर मौजूद है, ये उसके इब्तदाई फिक्र हैं, दुआ अभी और आगे। अल्लती ला तातील लहा फी कुल मकान, कोई जगह ऐसी नहीं है जिसमें इनका वजूद ना हो, यानी मा सिवल्लाह कोई चीज नहीं है कि जो आले मोहम्मद के मा तहत ना आ रही हो। अभी हमने आले मोहम्मद को महसूस क्या किया है, ये लुत्फ है। आप देखें ये बात बीच में आ गई, भाई ये दुआ को भी कंटिन्यू कर रहा हूं, दरमियान में आई ये चीज। परवरदिगार ने क्या कहा, लकद मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज बाअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, खुदा ने मोमिनीन पर ये एहसान किया है।
कि उनके दरमियान उन्हीं में से एक को रसूल बनाया। वन्नुरीदु अन्नमुन्ना अलल्लज़ीना इस्तुज़ईफू फिल अर्द, हम ये इरादा रखते हैं कि एहसान करें लोगों पर कि जो जमीन पर ज़ईफ कर दिए गए हैं। पहली आयत पैगंबर के लिए, दूसरी आयत हजरत हुज्जत के लिए, एहसान की मंजिल है। यानी अगर हम चाहते तो बगैर इनको भेजे तुमसे हम दस्तूर ले सकते थे, तुम्हें दस्तूर दे सकते थे, लेकिन ये तुम, ये कौन कह रहा है जिसने खुद कुरान मजीद में कहा ला तमन्नुस ला तुबतलु सदकातकुम बिल मन वल अदा, अपनी नेकियों को बातिल ना करो मन के जरिए से, मन यानी एहसान जताना, अपनी नेकियों को बातिल ना करो एहसान जता के। अगर किसी ने कहा कि याद है मैंने आपको फला जगह ये किया था आपके साथ, का उसको याद हो या ना हो लेकिन तुम्हारा जो सवाब था वो डिलीट, और ऐसे भी डिलीट नहीं कि रिसाइकिल बिन से निकाल ले आओ जाके, शिफ्ट डिलीट। ला तमन्नु सदकातकुम बिल मन वल अदा, अगर किसी के साथ कोई नेकी कर भी दी है तो उसको एहसान मत जताओ हमने ये किया और हमने वो किया, बल्कि कब शुक्र में सर रखो मालिक तेरा शुक्रिया तूने इस काम का मौका दे दिया, नहीं ये काम तो हो ही जाता उसका लेकिन हम वसीला बन गए इसका शुक्रिया। जो खुदा मना कर रहा है दूसरों को कि एहसान न जताओ, वही खुदा कहता है लकद मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, मोमिनीन ने यह एहसान किया है, मोमिनीन पर यह एहसान किया है परवरदिगार आलम ने कि उन्हीं में से एक को रसूल बनाया। यानी पैगंबर को भेजना इस काबिल है कि हम लोगों पर एहसान को जताएं इनके सामने, ताकि ये महसूस करें कि ये कौन सा वजूद है, वो आलम अनवार का रहने वाला जिसके सामने कोई वजूद सांस ना ले सके बगैर उसकी इजाजत के, जिसके नूर की ताप फरिश्ते ना ला सकें, जिसके सामने अंबिया सफ़वस्ता खड़े हों, उसको हमने तुम्हारे सामने भेज दिया, ये एहसान है तुम पर, और उसके बाद भी अगर तुम इसे न पहचानो तो निहायत नालायक हो। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। और ये लुत्फ परवरदिगार है कि इनमें से सारे के सारे सिर्फ हमारे पास हैं, सिर्फ हम हैं जो उनके नाम का कलेमा पढ़ते हैं, और अब ये हमें जरूरी है कि हम इन्हें पहचाने और कायनात को पहचानवाए आइम्मे ताहिरीन के लिए जनाब इमाम रज़ा अलैहि सलातु वस्सलाम। इरशाद फरमाते हैं कि रहमल्लाहु उमरान अहया अमरना, खुदा उस इंसान पर रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। और ये चीज इस मकाम पर ऐसे ममालिक में ज्यादा सामने आती है, रहमल्लाहु उमरान अहया अमरना, खुदा उस शख्स पर रहमत नाजिल करे जो हमारे अम्र को जिंदा करता है। कीला, सवाल किया गया, कैफा युहयी अमरकुम, आपके अम्र को कैसे जिंदा करे, का यतअल्लम उलूमना व युअल्लिमुहन्नास, हमारे उलूम को सीखे फिर जाके लोगों को सिखाए। देख रहे इमाम का तकाजा हमसे क्या है कि हमारे उलूम को सीखे और फिर जाके लोगों को सिखाए। क्यों, फइन्ना नास लौ अलमु महासना कलामना लत्तबऊना, इसलिए कि लोग अगर हमारे कलाम की खूबियों को जान लेंगे तो हमारा इत्तबा करेंगे। एक सलावात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। देख रहे हैं आप, तो अल्लती ला तातील अलहा फी कुल्ले मकान, ये वो वलात अम्र है कि जो कोई मकाम ऐसा नहीं है जो इनसे खाली हो, मा सिवल्ला हर चीज इनके मातहत है, सारी चीजें बाद में है ये सबसे पहले है, जो भी खल्क हो रहा है इनके सदके में खल्क हो रहा है। बिना फतहल्ला, वलीद के दरबार में इमाम हुसैन कह रहे हैं, ज्यारत जामिया आवाज दे रही है, ज्यारत जामिया एक मारिफत का एक कोर्स है, और जरूरी है कि इंसान अशरे पढ़े ज्यारत जामिया पर, और एक एक फिक्रे पर ज्यारत जामिया के, जो इमाम अली नकी अलैहि सलातो सलाम ने ज्यारत तालीम की।
جو امام نے زیارت تعلیم کی ہے کہ جب کسی بھی امام کے پاس جاؤ تو اس طریقے سے زیارت پڑھو. زیارت جامعہ کہتے ہیں, 20 منٹ 25 منٹ لگتے ہیں اس کو پڑھنے میں, ضروری کم پڑھیں, کم از کم دیکھیں اس کو کیا کہا امام نے اپنے لیے. ان سے بہتر انہیں کون پہچانوائے گا؟ ایک کور سے پورا زیارت جامعہ, امام نے کیا کیا ولید کے دربار میں, بنا فتح اللہ ہمارے ذریعے سے اس کائنات کے پروردگار عالم نے قلب فرمایا, وہ بنا ختم, اور ہمارے ذریعے سے یہ کائنات ختم ہوگی چونکہ ہم اول مخلوق ہیں پروردگار کے بعد. تو جو بھی ہوگا وہ ہمارے بعد ہوگا, اور جو ہمارے بعد ہوگا وہ ہمارے وسیلے سے ہوگا. اور اب بار بار لفظ پلٹ کے آ رہا ہے آپ کے سامنے چونکہ آج جمعہ ہے. کیا کہتے ہیں؟ وب یمن ہی رزق الورا وب وجود ہی ثبتت الارض والسما. آپ ہیں حضرت حجت کہ آپ کی برکت سے پوری کائنات کو رزق ملتا ہے. ورا یعنی کائنات, جن انس ملک شجر حجر یہ وہ جو بھی کائنات میں ہے سب کو ان کی برکت سے رزق مل رہا ہے. وَبِ وجود ہی ثبتت الارض والسما, آپ ہی کے وجود کی برکت سے زمین اور آسمان قائم ہیں. دعائے ندبہ کیا کہہ رہی ہے؟ این السبب المتصل بین الارض والسما, زمین اور آسمان کے اتصال کا سبب آپ کہاں ہیں؟ یہ جملہ فضیلت کا نہیں ہے, حقیقت کا ہے کہ امام کے وجود کو خدا نے ایسا بنایا ہے اگر امام درمیان سے ہٹ جائے کائنات ختم ہو جائے. اب یہ اس کے نہ بیان کا موقع ہے نہ مجھ میں اہلیت ہے کہ اس کو انسان ثابت کرے کس طریقے سے وجود امام مدار کائنات ہے. کبھی اگر وقت ملے گا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے, امام صرف ایسے ہی منزل نہیں ہے کہ جتنا امام کو ہم محسوس کریں اور چند معجزات میں امام کو محدود کر دیں اور اسی سے امام کو پہچانے. نہیں, معجزات سے پہچاننا نقص معرفتی ہے, اس لیے کہ معجزات بہت چھوٹے ہیں, امام ان سے بہت بلند ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. معجزات تو ان کے گھر کے خادم انجام دے دیتے ہیں. آج ہمارے کتنے ایسے علماء ہیں جو ایسے کام انجام دے دیتے ہیں کہ جو عام طور سے ممکن نہیں ہے. میں نے عرض کیا اسی ممبر سے آپ کے سامنے, کبھی پھر عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ جب موقع ہوگا. لا التی لا تعطیل الہا فی کل مکان, کوئی جگہ ایسی نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ان کے وجود سے خالی ہو. اب اس کے بعد جو جملہ ہے توجہ کیجئے, لا فرقا بینکا و بینہا. میں بہت اطمینان سے اس جملے کو پڑھوں گا تاکہ بات واضح ہو کر اتر جائے. میں 2-3 دن سے اس جملے کے لیے زحمت آپ کو دے رہا تھا تاکہ یہ جملہ آپ کے سامنے کہہ سکوں. لا فرق بینک و بینہا, لیکن ہاں عربی کے سمجھ کتنا سناٹا آیا. مالک کون کہہ رہا ہے؟ امام زمان. مالک تیرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. جی امام زمانہ کے دور کے لیے بلندر تلوار. دیکھیے آپ کا سکوت یہ بتا رہا ہے کہ آپ سن رہے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں ہر جملے پر واہ واہ کرنی ہی ہے, لیکن یہاں کا مجمع ایسا نہیں ہے الحمدللہ. جہاں بعض ذرا سی سخت ہے پورا مجمع بالکل. یہ کیا ہوا خیریت؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجمع سن رہا ہے. التی لا تعطیل الہا فی کل مکان, یہ وہ افراد ہیں کہ کوئی جگہ ان سے خالی نہیں ہے ما سوا اللہ. لا فرق بینک و بینہا, خدایا تیرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں. اب آپ نے محسوس کیا جو میں کب سے کہہ رہا ہوں, پھر مجمع پہ اسی طرح کا سناٹا. یقیناً یہ ہونا چاہیے, ضروری ہے. اگر ہمارا مجمع اس طریقے سے با فہم ہو جائے تو یہاں بیٹھ کے پڑھنے والا سوچے گا. جب ہم ہر جملے پہ کہیں گے واہ, وہ کہے گا جو جی چاہے کہو واہ. لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے جو ممبر کے نیچے ہیں کہ مگر میں دیکھوں تو. اگر میں نے کہا تھا کسی جگہ پر, اسی جگہ بھی کہا ہے کچھ دن پہلے,
کہ ایک مجلس میں تین ذمہ داریاں کام کرتی ہیں، جلدی سے کہہ رہا ہوں، خطیب، بانیان مجلس، کمیٹی اور مجمع، اور تینوں کو اپنا اپنا جواب دینا ہے روز محشر. تم نے یہ پڑھا کیوں؟ تم نے ایسے انسان کو پڑھوایا کیوں؟ تم نے سنا کیوں؟ تینوں کو جواب دینا، اپنا اپنا، کوئی بچے گا نہیں. آپ کی قبر میں میں نہیں آؤں گا، میری قبر میں آپ نہیں آئیں گے. یہ ساری واہ سبحان اللہ یہیں رکھی رہ جائے گی. عدل الہی کی بارگاہ میں جب انسان کھڑا ہوگا، اس وقت سمجھ میں آئے گا کیا ہوا، تم نے کیسے پڑھا جس چیز کو ہم نے نہیں کہا. کھیل نہیں ہے یہاں سے بیٹھ کر کے جمعہ میں آئے کہہ دے انسان، تم نے ایسے انسان کو منبر پر بیٹھنے کیوں دیا جو میری مرضی کے خلاف بول رہا تھا، اور تم نے ایسے انسان کو سنا کیسے. اور حدیث پڑھی تو جب بات آ گئی، نو امام فرماتے ہیں کہ علیہ آلاف التحیت والکرم، کہ من اصغا الی ناطق فقط عبدہ، فان کان الناطق عن اللہ فقط عبد اللہ، وان کان الناطق ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. جس نے کسی انسان کی بات کو غور سے سنا، جیسے آپ مجھے سن رہے ہیں، جس نے کسی انسان کی بات کو غور سے سنا، اس نے اس کی عبادت کی. اور اگر بولنے والا خدا کی طرف سے بول رہا تھا تو سننے والا خدا کی عبادت کر رہا تھا، اور اگر بولنے والا شیطان کی زبان سے بول رہا تھا تو سننے والا شیطان کی عبادت کر رہا تھا. ہم کیا کریں، مولوی صاحب پڑھ رہے تھے، جان چھوٹنے والی نہیں ہے، امام نے بیان کر دیا ہے سب. یہ بالآخر امام نے کہا التی لا تعطیل لها فی کل مکان مفاتیح الجنان، ماہر رجب کی دعا میں جا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں، التی لا، دعا کے تقریباً شروع کا فقرہ ہے یہ، بعد میں دعا اور آگے ہے، التی لا تعطیل لها فی کل مکان، کوئی مقام ایسا نہیں ہے جو ان سے خالی ہو، لا فرق بینک و بینها، تیرے اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا جان قربان ہو جائے سماعت کے اس ذوق پر، الا سوائے اس کے کہ انہم عبادو کا وخلقوک فتقوہا ورتقوہا بیدک بدوہا منک وعودہا الیک. صرف فرق اتنا ہے، تو ان کو پیدا کرنے والا، یہ پیدا ہونے والے، یہ تیرے بندے ہیں تو ان کا معبود ہے، یہ تیری مخلوق ہیں تو ان کا خالق ہے، ان کی ابتدا تیری طرف سے ہے، ان کی انتہا تیری طرف ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تیرا ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، الا انہم عبادک وخلقک، سوائے اس کے کہ یہ تیرے بندے ہیں. ائمہ کے علم کی کوئی حد نہیں، صرف حد یہ ہے کہ بندے ہیں. ان کی قدرت کی کوئی حد نہیں، حد یہ ہے کہ بندے ہیں. ان کی حیات کی کوئی حد نہیں، کٹا ہوا سرنوں کے نزا بولتا ہے. ان کے حیات کی کوئی حد نہیں، حد یہ ہے کہ بندے ہیں. سارے صفات لا، جس طرح سے صفات الہی لا محدود، اسی طریقے سے ان کے صفات بھی لا محدود، کوئی حد نہیں ہے. حد کیا ہے؟ بندے ہیں. توجہ کیجئے، بندے ہیں یعنی کیا؟ میں دو لفظوں میں کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ بات یاد رہے گی جہاں تک مجمع بیٹھا ہے. بندے ہیں یعنی کیا؟ اس کے پاس علم ہے، ان کے ذریعے سے اس نے اپنے علم کو ظاہر کیا، مکمل علم کو ظاہر کیا. توجہ کیجئے، کوئی فرق نہیں ہے وہاں اور یہاں، کوانٹیٹی پر فرق کو نہ دیکھو، اپنے سارے علم کو ظاہر کر رہا ہے ان کے ذریعے سے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بندے ہیں. بندے ہیں یعنی کیا؟ کہ فرق صرف اتنا ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، اس کا جو کچھ ہے وہ اپنا ہے، ان کا سب کچھ اس کا دیا ہوا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد.
लिए बंदे हैं, यानी क्या बंदे हैं, यानी उसका जो है वो अपना है, उसे किसी ने अता नहीं किया, और इनके पास जो है वो उसका दिया हुआ, इसके अलावा कोई और फर्क दिख ही नहीं सकता, जिम्मेदारी से कह रहा हूं। आप देखिए एक जगह पर बल्ब लगाइए और उसके चारों तरफ आईने रखिए, साफ और शफाफ। अगर इंसान जानता ना हो तो नजर धोखा खाती है कि असल वो है या ये है। इसीलिए देखिए बाज जगहों पर दिखाया भी गया कि शीश महल में गए, गोली मारे थे, वहां मारी शीशे पर, आईने पर, क्यों? तो पता नहीं चल रहा है कि वो असल है या ये असल है। क्यों? चूंकि नजर का धोखा है कि असल कौन सा है, असल कौन है और अक्स कौन है। तवज्जो कीजिए, क्योंकि फर्क नहीं है कोई असल और अक्स में, फर्क कोई नहीं नजर आ रहा, क्योंकि आईना इतना साफ है, आईना इतना शफाफ है, किसी तरह की कोई गर्द नहीं, किसी तरह का कोई शुभा नहीं, हत्ता तरके औला का भी नुकता नहीं, हत्ता तरके औला का कोई नुकता नहीं। गुनाह तो दूर की बात है, मासियत तो दूर की बात है, खता भी नहीं, निसियान भी नहीं, कोई सिफत ऐसी सिफत भी नहीं जो खुदा में ना हो, सारी चीजें मौजूद, सारे सिफात हसना रखते हुए, सारे सिफात रजीला इससे दूर, हर तरह का रिस इससे दूर, हर तरह के गलत अफराद इससे दूर, आईना इतना शफाफ जहां तरके औला का नुकता भी ना हो। अब नजर धोखा खाती है कि असल वो है या ये है, और हमारी आपकी नजरें तो ठीक हैं, लेकिन ऐसी ऐसी नजरों ने धोखा खाया कि ताज्जुब है। कफा फिल फख्र मौलाना अली वकू शक फी अन्नहुल्लाह, मेरी मौला अली की फजीलत के लिए ये काफी है कि उनके लिए शक हुआ कि वो अल्लाह है, यानी शक भी वो हुआ जो उधर है। वह माता शाफी व लैस यदरी अलीयुन रब्बहु अम रब्बहुल्लाह, खुद जनाब इमाम शाफी का शेर है, कता है ये, शाफी मर गया मगर ये महसूस न कर सका कि उसका रब अली है या अल्लाह। ये क्या है, ला फर्क बैनका व बैनहा, अगर आईना और अक्स को देखा तो नजर धोखा खाएगी। फिर कैसे मालूम करें कि हकीकत क्या है, कौन बताएगा, कायनात में है कौन जो बताए। पैगंबर ने कहा ली मालाए हालुन ला यसीहु मलक मुकर्रब वला नबी मुरसल, हमारे खुदा के दरमियान ऐसी हालत है जिसे ना कोई मलक ना कोई नबी कोई रसूल कोई नहीं महसूस कर सकता, कोई है ही नहीं। फिर किससे पूछें, किसी से पूछेंगे गुमराह होंगे। हाथों को जोड़े चले, मैं इस पर इंशाल्लाह हदीस आपके सामने बाद में अर्ज करूंगा, हाथों को जोड़े हुए चले, मौला आप खुद बता दें कहां जाएं, आप खुद बता दें कि आप क्या हैं। ये बड़ा शुक्र है कि आज पैदा हुए, कि सोच समझ के पूछ ले, सामने नहीं थे वरना नहीं मालूम क्या होता। मौला आप बता दें कि आप क्या हैं, वही लहजा, कफा बी इज्जन अन अकून लका अब्दा व कफा बी फखरन अन तकून ली रब्बा अंता कमा उहिब फजअलनी कमा तुहिब, मेरी इज्जत के लिए ये काफी है कि तू मैं तेरा बंदा हूं, और मेरे फख्र के लिए ये काफी है कि तू मेरा परवरदिगार है, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं। अल्लाह अकबर, तू वैसा मिजाज इंतखाब अली, मिजाज इंतखाब मौलाए कायनात, तू वैसा है जैसा मैं चाहता हूं, मुझे वैसा बना ले जैसा तू चाहता है। एक सलावत बोल दे मोहम्मद और आले मोहम्मद।
इसको भी मफातिहुल जनान की दुआ के अंदर देख लीजिए मौजूद है। मौलाए कायनात की मुनाजात के तीन फिक्रे, कफा बी इज्जन अन अकून लक अब्दा, मेरी इज्जत के लिए यह बहुत है कि मैं तेरा बंदा हूं, ये बहुत है नहीं, ये तो मौला हमारे और आपके लिए कह रहे हैं, वरना है इज्जत ये के बंदा हूं, इसके अलावा कौन सी चीज है जो मेरे लिए इज्जत बने? नहीं नहीं, सारी चीजों के लिए मैं खुद इज्जत हूं, मेरी इज्जत इसमें नहीं है कि आलम मुझे मिल जाए, वो दूसरे हैं जो अपनी इज्जत आलम में देखें और रात भर जागे। मेरी इज्जत इसमें नहीं है कि आलम मुझे मिल जाए, नहीं, आलम मुंतजिर है दस्ते आली मिल जाए। इसमें मेरी इज्जत नहीं है कि मैं आलम के लिए जागूं, अगर आलम को जबान दी जाए तो वो बोलेगा या अली, अगर आलम के जबान हो नुत्क हो तो वो खुद कहेगा या अली उठा लो मेरी इज्जत बचा लो। एक सलावत पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। सलावत पढ़े बड़े की मंजिल है, बाकी चीजें कल इंशाल्लाह, काश मुझे याद रह जाए मैंने छोड़ा कहां पर गुफ्तगु को। ये मकाम है मैं ताहरीन अलैहिस्सलाम है कि इस फर्क को बाकी रखो, सिफात में फर्क मत ढूंढना वरना नजर धोखा खाएगी, क्योंकि है ही नहीं फर्क। फर्क कहां देखना है? फर्क देखना है इल्ला अन्नहुम इबादुक, ये फर्क है। ये फर्क सिर्फ ये है कि ये तेरे बंदे हैं। दो फिक्रे हैं तारीख के दामन पर, एक फिक्रे शाफई, एक फिक्रे अलवी। फिक्रे शाफई में शक है, फिक्रे अलवी में यकीन है। वहां मात शाफई वल्लैसा यदरी है, मर गए मगर जान न सके, यहां यकीन की मंजिल है। वहां ये है कि ये वकू शक फी है अन्नहुल्ला, और यहां यह है कि कफा बी इज्जन अन अकून लक अब्दा, अब जो जिसको चाहे अपना ले, चाहे फिक्र शाफ़ई को माने या फिक्र हैदरी को माने। एक सलावत पढ़े बाबा से बुलंद पर मोहम्मद। ये मारिफत की मंजिल है, ये मारिफत का मकाम है, बाकी बातें इंशाल्लाह कल आपके सामने अर्ज करूंगा। ये मारिफत का मकाम है कि इम्मे ताहरीन को पहचाने इंसान और ये समझ ले कि इनके सामने सरे तस्लीम को खम किया जाता है। ये वो अफराद हैं जो कुदरत इलाही औसाफ इलाही को अपने अंदर रखते हैं, ये आम लोग नहीं हैं। ये बशरी पैकर में हैं लेकिन बशरी खवास से बहुत बालातर हैं। और जब मारिफत होती है तो किरदार कुछ और होता है, जब मारिफत नहीं होती तो किरदार कुछ और होता है। अब देखिए, सुलह करके इमाम हसन पलटे हैं, जिनके अंदर मारिफत है वह इमाम के पीछे सर झुकाए चल रहे हैं कि जो मेरे मौला ने किया है वही मशीयत परवरदिगार है। और जहां मारिफत नहीं है वह अपना कहता है या मुज़िल्लल मोमिनीन। तर्जमा करते भी डर लगता है लेकिन क्या करूं कि तारीख है। अस्तग़फिरुल्लाह, ऐ मोमिनों को जलील करने वाले, जो खुद अपनी जलालत का ऐलान कर रहा है इस जुमले से,
دیکھ رہے ہیں آپ، یہ وقت کا امام ہے جس سے یہ گفتگو ہو رہی ہے، یہ مظہر اوصاف الہی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم معرفت پیدا کریں تاکہ اپنے امام کے سامنے مطیع بن جائیں۔ اور عہد مولا جھوٹ بولتے تھے، اب نہیں بولیں گے، ہم نے آپ کو پہچان لیا کہ آپ ہمارے جھوٹ کو دیکھ رہے ہیں۔ مولا اب ادھر ادھر نظر نہیں پڑے گی، اب انٹرنیٹ ادھر ادھر آپ کچھ نہیں دیکھیں گے، آقا آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ محرم اسی لیے ہے تاکہ سال گزر گیا، امام حسین سے عہد کرو، بیٹھ کے ہم اپنے مولا سے عہد کریں، فرزند رسول معذرت چاہتے ہیں، شرمندہ ہیں آقا، ہم نے آپ کی بہت سی باتوں کو نہیں مانا، جو آپ چاہتے تھے وہ ہم نے نہیں کیا، اسی لیے تو یہاں آئے کہ مریض ہیں، آپ ہمیں ٹھیک کر دیں۔ اس طریقے سے امام حسن کے ساتھ گستاخی ہو رہی ہے، جبکہ صلح امام حسن نے نہیں کی، امام حسن سے کی گئی۔ اور عجب بات ہے، تاریخ کے وقت نہیں رہ گیا ورنہ میں آپ کے سامنے گزارش کرتا، جس سے امام حسن نے صلح کی اس سے امام حسین نے بھی صلح کی۔ امام حسن کا انتقال کب، شہادت کب ہے؟ سن 50 ہجری۔ معاویہ دنیا سے کب گیا؟ سن 60 ہجری رجب۔ اس 10 سال میں امام حسین کی کوئی جنگ دکھائی نہیں، اپنے بھائی کے صلح پر باقی ہیں۔ معاویہ کے جانے کے بعد اس کا بیٹا یزید تخت خلافت پر بیٹھا، یزید سے امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، امام حسن نے معاویہ سے صلح کی تھی، امام حسین 10 سال تک اس صلح پر باقی رہے۔ کوئی ایسا قدم نہیں دکھا پائیں گے جو بھائی کے صلح کے خلاف ہو۔ امام حسن نے یزید سے صلح نہیں کی ہے، امام حسین نے یزید سے جنگ کی ہے، اور یزید سے امام حسن بھی جنگ کر رہے ہیں۔ یزید سے امام حسن نے بھی جنگ کی ہے، وہ کیسے؟ چونکہ اپنے موقف کا اعلان کیا ہے۔ آج شب سات ہے، ایک یتیم کو رونا ہے، وہ یتیم جو اپنے بابا کے بعد بڑے نازوں سے پلا تھا، آج اس یتیم کا ماتم ہے، اور ایک ہماری خواتین کو، ایک بیوہ کو پرسہ دینا ہے۔ امام حسن کا وقت آخر آیا، اور ایک ایک کو امام حسن نے امام حسین کے حوالے کیا، دیکھو یہ امام وقت ہیں، ان کی اطاعت کرنا، ان کا خیال رکھنا۔ اور اب امام حسن دنیا سے جا رہے ہیں، 28 سفر سن 50 ہجری، آخر میں کہتے ہیں حجرہ خالی کر دو، اب عبد المعبود کے وصال کا موقع ہے۔ ایسے عالم میں کہاں فرواہ، میرے قاسم کو لاؤ۔ قاسم کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 3 برس۔ تین برس کا بچہ اپنے باپ کے پاس آیا کہ جو تقریباً عالم احتضار میں ہے اور اب دنیا سے جانے والے ہیں۔ امام حسن نے اپنے لال کو سینے سے لگایا، بہت روئے، عجب نہیں بدن پر جا بجا بوسے دیے۔ امام حسن قاسم کے بدن پر وہ مقامات دیکھ رہے ہیں۔ سینے سے لگا کے اپنے بچے کو بہت روئے، اور اس کے بعد سرہانے سے ایک تعویذ اٹھایا اور اسے قاسم کے بازو پر باندھ دیا، اور کہتے ہیں میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔
जब कोई सख्त वक्त पड़े तो इस तावीज़ को खोल के पढ़ लेना, तावीज़ बन गया। लेकिन जिसका अब्बास और हुसैन जैसा चचा मौजूद हो, उस यतीम भतीजे पर कभी सख्त वक्त पड़ सकता था? यतीमों का बड़ा हक है और हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारे खानदान में कोई यतीम हो उसका बड़ा ध्यान हमें रखना चाहिए कासिम के सदके में। वरना अगर किसी यतीम आले मोहम्मद, कोई भी किसी का भी कोई खानदान में कोई यतीम हो और उसने उसका हक ना अदा किया, याद रखना चाहिए हमें रोज कयामत कासिम के सामने शर्मिंदगी होगी। आज जो लोग इमाम हुसैन के नाम पर शहीद हो रहे हैं, यहां बम फट गया, वहां टारगेट किलिंग में कोई मारा गया, जो भी हो उनके खानवादे का हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई यतीम अपने बाप की जगह जिसका अब्बास और हुसैन जैसा चचा मौजूद हो, उसके जिंदगी में सख्त वक्त कहां पड़ सकता था? इस तावीज को खुलने का मौका नहीं मिला और कासिम करबला के मैदान तक पहुंच गए। हुसैन इब्न अली ने शबे आशूर महजरे शहादत पढ़ा, तुम सबको कल शहीद होना है, सबका नाम लिया, खामोश हुए। एक गोशे से एक बच्चा उठा, मक्तल के जुमले हैं, लम यबलगिल हुलूम, अभी यह बच्चा हद बुलूग को नहीं पहुंचा था, सिने बुलूग को नहीं पहुंचा, 13 बरस की तकरीबन उम्र है। चचा के करीब आए, या अम्मा, ए चचा, मेरा नाम इमाम हुसैन ने जवाब देने से पहले पूछा, या बुनैया कैफल मौत इंदक, ए मेरे बच्चे मौत तेरे नजदीक कैसी है? चचा मौत अहला में नल असल, शहद से ज्यादा शीरी। इमाम हुसैन ने कहा, कासिम एक बड़े इम्तिहान के बाद तुम्हें भी कल शहीद होना है और तुम्हारे भाई असगर को भी शहीद होना है। जो अपना नाम सुना तो लबों पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन जब अली असगर का नाम सुना तो चेहरा बरहम हो गया। चचा मेरा भैया तो बहुत छोटा है, क्या दुश्मन खैमे में आएंगे? नहीं कासिम, मैं खुद लेके जाऊंगा, रोजे आशूरे के करके जाने लगा। कासिम इमाम हुसैन के सामने आए, चचा मेरे लाल, तू मेरे भाई की निशानी है, तुझे कैसे इजाजत दूं? मना कर देते हैं, अदब इमामत माने हैं, बार बार नहीं कह सकते, इमाम है, अदब माने होता है। चले जाते हैं, कुछ देर के बाद फिर आते हैं, चेहरे से आंखों से अश्क जारी है। चचा इमाम हुसैन भी कहते, कासिम तो मेरे भाई की निशानी है। जाकर के खैमे में बैठ गए, घुटनों में सर डाला और खैमे में बैठ गए और रो रहे हैं। कुछ देर के बाद मां आई, मेरे लाल, मेरे लाल, कासिम क्या इरादा है? अम्मा क्या करूं, कई मरतबा गया, चचा इजाजत नहीं देते। अल्लाह रे अदब इस घराने का, कई मरतबा गया, चचा इजाजत नहीं देते। मां भी बैठ गई, दोनों बेटे सोच रहे हैं, मां को याद आया, ए मेरे लाल, तेरे बाबा का हक, तेरे बाबा का वक्त आखिर था और हसन ने कहा था, ये तावीज बांध रहा हूं, जब मुश्किल का वक्त आए तो पढ़ लेना। ए मेरे बच्चे, इससे मुश्किल वक्त कौन होगा जब फातिमा का लाल दुश्मनों में घिर गया? ए कासिम देख इस तावीज पे क्या लिखा है। तावीज को उतारा, चाक किया, पढ़ना शुरू किया, लिखा था, वलदी कासिम इदा काना यौम आशूरा व अम्मुकल हुसैन फी करबला وحاتت به العدا فلا تترك المراز والجهاد لعدا الا
ایک یتیم کی مجلس ہے ایک قاسم جب روزے عاشورا ہے اور تیرا چچا حسین کربلا میں ہو اور چاروں طرف سے دشمن گھیر لے تو جہاد کو ترک نہ کرنا جنگ کو ترک نہ کرنا اور اگر حسین اجازت نہ دے تو اتنی مرتبہ جانا عاوید ہو بار بار جانا حتی یعون لک البراز یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے پڑھوں آپ کے سامنے تعویز کو پڑھا بابا کا نامہ پڑھا آنسو پوچھ کے قاسم کھڑے ہوئے لبوں پہ مسکراہٹ آئی پیچھے پیچھے ماں ہے آگے آگے قاسم ہے امام حسین نے آگے دیکھا سر جو سمجھ لیا آگے کہتے ہیں چچا اب تو اجازت دینا پڑے گی کیا ہوا کہ بابا کا سفارش نامہ لایا ہوں لا میرے لال حسین نے اپنے بھائی کی تحریر کو پڑھا خدا نہ کرے مصیبت میں کسی کو بھائی یاد آئے بچپن کا زمانہ نظروں میں پھر گیا قاسم کو لپٹایا اتنا روئے کہ دونوں غش کھا کے گرے غشیا علیہما دونوں غش کھا کے گرے غش سے فاقا ہوا خیمے میں آئے زینب وہ صندوق اٹھاؤ امام حسن کی قبا امام حسن کا ماما اپنے ہاتھوں سے باندھا گھوڑے پر سوار کیا میرے لال بسم اللہ بہت رو لیے میں لیے تمام کر دیتا دو جملے اور ایک یتیم کا ماتم ہے آخری مرحلہ گھوڑے پر بٹھایا قاسم محو وغا ہوئے ارے آؤ میرے سامنے آؤ میں حسن کا بیٹا ہوں تم نے کیا سمجھا ہے جنگ شروع ہوئی کبھی جناب عباس تعریف کرتے ہیں کبھی امام حسین تعریف کرتے ہیں ایک شقی نے گھوڑے کو کعوے پر لیا پیچھے سے آیا سر پر وار کیا گھوڑے پر سنبھل نہ سکے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے گرتے گرتے آواز دی یا اماں اے چچا خدا حافظ حسین ابن علی قاسم کی جنگ دیکھ رہے تھے دور سے قاتل قاسم کو دیکھا مقتل کے فکریں باز شکاری کی طریقے سے حسین نے حملہ کیا صفوں کو چیرا قاتل قاسم پر وار کیا اس کے ہاتھ قلم ہوا اس نے ایک نعرہ مارا ایک تہو بالا مچ گیا قاسم گھوڑے سے گر چکے تھے ادھر سے گھوڑے ادھر ادھر سے گھوڑے ادھر جب کوئی ٹاپ پڑتی ہے چچا یا اماں حسین مرسیا پڑتے پہنچے اے میرے لال عزا واللہ امو کا ایتا یدو تدوگ فلا یجیبوگ اے میرے لال بڑا سخت ہے تو پکارتا رہا میں تجھے واحد اے میرے بچے Thank you.